हेलो एवरीवन, आज हम टीचिंग एड्स का एक पार्ट के बारे में समझेंगे जो है फ्लैश कार्ड्स। सो लेट्स मूव अहेड कि फ्लैश कार्ड्स क्या चीज़ें होती हैं। फ्लैश कार्ड्स एक टाइप का टीचिंग एड होता है और इस टीचिंग एड को हमें किस सेक्शन में डालना है उस चीज़ को हम इस चार्ट के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। सो हमारा ये टीचिंग एड्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है जनरल एड और दूसरा होता है स्पेसिफिक एड्स। जनरल एड्स में तो बेसिकली जो जनरल टीचिंग एनवायरनमेंट होता है उसे लिया जाता है, जैसे चॉक, डस्टर, पॉइंटर, ब्लैक बोर्ड एक्सेट्रा। और जो स्पेसिफिक एड्स हैं इनमें है चार्ट्स, जो एक स्पेसिफिक टॉपिक के लिए यूज़ किया जाता है, वो आप उसका चार्ट यूज़ कर सकते हो, मॉडल यूज़ कर सकते हो, प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हो, और लैंग्वेजेस और नंबर्स पढ़ाने के लिए जो हम चीज़ को टीचिंग एड का यूज़ करते हैं वो चीज़ है फ्लैश कार्ड्स। सो आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो हम क्या पढ़ेंगे आज डिटेल में, आज हम डिटेल में फ्लैश कार्ड्स को अच्छे से फ्लैश करेंगे। सो लेट्स मूव अहेड कि पहले तो हम ये समझते हैं कि हमें फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत क्यों है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ फ्लैश कार्ड्स। सो फ्लैश कार्ड्स का नीड हमें क्यों पड़ता है, हमें फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है इजी टू यूज़। फ्लैश कार्ड्स बहुत इजी होते हैं यूज़ करने के लिए, एंड देन एक्टिव रिकॉल, मतलब अगर हम फ्लैश कार्ड्स के माध्यम से पढ़ाते हैं, समझाते हैं, तो उसे रिवाइज करना, रिकॉल करना बहुत ही ईजी हो जाता है। देन रिकॉग्निशन ऑफ लेटर्स, फ्लैश कार्ड्स मतलब कोई चीज़ देख लेते हैं तो देखकर उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना यानी पहचानने में बहुत सरलता महसूस होती है, इसीलिए लेटर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए भी फ्लैश कार्ड्स का यूज़ किया जा सकता है। बच्चे जल्दी भूलते नहीं हैं फ्लैश कार्ड में जो पिक्चर ड्रॉ करा हुआ है, एंड ऑल इट हेल्प्स इन रिविजन। एक बार अगर आपने फ्लैश कार्ड दिखाया तो दोबारा से रिविजन करने के लिए आपको फ्लैश कार्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद में एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिसी की वजह से फ्लैश कार्ड्स यूज़ किया जाता है, दैट इज़ टू मेक द टॉपिक इंटरेस्टिंग। टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ही फ्लैश कार्ड्स बेसिकली यूज़ किया जाता है। हमारे ट्रेडिशनल मेथड को अवॉइड करने के लिए, इंटरेस्टिंग स्टडी को बनाने के लिए फ्लैश कार्ड्स का यूज़। सो अब हम देखते हैं कि फ्लैश कार्ड्स के लिए हमें और आगे क्या चीज़ों पर बेसिकली फोकस करना है। सो फ्लैश कार्ड्स क्या क्या चीज़ों के लिए होता है। सो आपको यहाँ पर ये जो टेबल दिख रहा है तो इसमें आपको पता चलेगा कि फ्लैश कार्ड्स के टाइप्स क्या हैं। सो फ्लैश कार्ड्स के टाइप्स हैं, एक है अल्फ़ाबेट कार्ड, दूसरा होता है वर्ड कार्ड, तीसरा होता है हमारा नंबर कार्ड्स। अल्फ़ाबेट कार्ड्स जो होते हैं वो लैंग्वेजेस पे डिपेंड करता है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी लैंग्वेजेस हो, बेसिकली इंग्लिश के ही फ्लैश कार्ड्स आपको यहाँ इस कोर्स में बनाना है। तो ये ए टू जेड भी होता है, ए ए जेड जेड भी होता है, या स्मॉल ए जेड भी होता है, बट आपको सिर्फ कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड तक ही बनाना है, ओनली 26 फ्लैश कार्ड्स। वर्ड कार्ड्स के बारे में और नंबर कार्ड्स के बारे में आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दी जाएगी। सो टू लेटर वर्ड का भी वर्ड कार्ड्स बनते हैं जिसमें वर्ड्स लिखे जाते हैं, इन टू, गो, नो, सो, इन, एट, ऑन, ऑफ, ठीक है, ये ऐसे टू लेटर वर्ड्स होते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे थ्री लेटर वर्ड्स में पिग है, डिग है, ये सारी वर्ड्स होते हैं, इन सबको थ्री लेटर वर्ड्स के फ्लैश कार्ड्स में यूज़ किया जाता है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे सी वी सी स्ट्रिंग वर्ड्स होते हैं, कॉन्स्टेंट कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट का जो सीरीज होता है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है एंड देन उसके बीच में जो सेकंड नंबर अल्फ़ाबेट है वो दैट इज़ अ वॉवल एंड आफ्टर दैट द नेक्स्ट अल्फ़ाबेट इज़ अ कॉन्सोनेंट, इसीलिए इसे सी वी सी स्ट्रिंग कहा जाता है। जैसे कैट, बैट, मैट, रैट, तो सी इज़ कॉन्सोनेंट, ए इज़ वॉवल एंड टी इज़ ऑल्सो कॉन्सोनेंट। तो ये जो राइमिंग स्कीम है दैट इज़ अ स्ट्रिंग वर्ड, वो सी वी सी स्ट्रिंग होता है, सी वी वी स्ट्रिंग होता है, सी ए ए स्ट्रिंग होता है और वी सी ए स्ट्रिंग भी होता है। सो ये सारे स्ट्रिंग वर्ड्स को थ्री लेटर वर्ड्स में डाला जाता है।
नेक्स्ट हमारे साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स जैसे आर्टिकल्स में एंड द, ये सारे साइट वर्ड्स होते हैं, ओ ऑफ प्रपोजिशंस को भी साइट वर्ड्स में लिया जाता है. सो ये साइट वर्ड्स है जो बेसिकली बच्चों को लर्न करना, जैसे ए एन डी एंड, तो एंड इज़ अ कंजंक्शन. तो अब हम बेसिकली छोटे बच्चों को तो कंजंक्शन नहीं पढ़ा सकते, बिकॉज हम जॉइनिंग वर्ड्स तभी सिखाएंगे जब उन्हें जॉइनिंग सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए आएगा. तो अभी तो उन्हें सेंटेंसेस का कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो इन सारे वर्ड्स को साइट वर्ड्स में लिया जाता है. नेक्स्ट हमारे नंबर कार्ड्स. नंबर कार्ड्स जो हैं, नंबर कार्ड्स 0 to 9 नंबर्स ही होते हैं बेसिकली, आपको पता ही है. और 0 to 9 नंबर्स के नंबर ऑफ सेट्स अलग अलग बना के और उसे ज्वाइन करके 1 lakh तक के नंबर्स को शो किया जा सकता है. और बेसिकली नंबर्स अप टू 100 ही बनाए जाते हैं, तो अगर 2 digit और 3 digit नंबर्स बनाने हो तो. इसके बाद में तो इन्हीं सारे नंबर्स को जोड़ जोड़ कर ज्वाइन कर दिया जाता है. नंबर कार्ड्स और जो बनते हैं फ्लैश कार्ड्स में वो काफ़ी छोटे बनते हैं, ठीक है. सो अभी हम आपको दिखाएंगे एक फ्लैश कार्ड की कैसे आपको बनाना है फ्लैश कार्ड, हाउ टू मेक अ फ्लैश कार्ड. तो एक फ्लैश कार्ड हम आपको बना कर दिखाते हैं. एक A4 साइज शीट लेना है आपको. A4 साइज शीट में आपको 1 centimeter का बॉर्डर बना दीजिए, ठीक है. बॉर्डर बनाने के बाद में अभी हम आपको अल्फ़ाबेट A लिखकर बता रहे हैं. तो ऊपर से मैक्सिमम 3 to 4 inch का साइज़ लेकर अल्फ़ाबेट को, एक बड़ा सा अल्फ़ाबेट लिख लो, जो भी अल्फ़ाबेट आपको बनाना है. अभी मैं फर्स्ट अल्फ़ाबेट का ही बता रही हूँ, A. एक स्लैंटिंग लाइन, दूसरी स्लैंटिंग लाइन एंड द स्लीपिंग लाइन, ठीक है. तो इसको बनाने के बाद में ये आपका हो गया. इसी साइज़ में आपको सारे अल्फ़ाबेट्स को बनाना है ऊपर स्टार्टिंग में, जो आपको शो करेगा कि आप कौन से अल्फ़ाबेट को पढ़ा रहे हो. फिर उसके बाद में उस अल्फ़ाबेट का रिलेटेड पिक्चर आप ड्रॉ करेंगे, ठीक है. एंड देन उसको कलर करेंगे, कलरिंग फिल करना है आपको. एंड आफ्टर दैट उसका लेबलिंग करना है नीचे. तो पिक्चर होगा सेंटर में और उसका लेबलिंग होगा साइड में, ओके. सो इस तरीके से आपके 26 फ्लैश कार्ड्स बनेंगे. दिस वॉज एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल था कि इस तरीके से आपको एक फ्लैश कार्ड बनाना है, ओके. सो आप लोग बनाइए. इफ़ यू हैव एनी डाउट और एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, ओके. थैंक यू.